प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? आपको पता है कि ईद की आमद आमद है, और कौन सी ईद आ रही है पता है आपको? जी, ईद उल अजहा। और इस ईद पे हम क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं जानवरों की। ठीक है, तो अब इसमें आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो अगर आपके घर में कुर्बानी का जानवर है, कोई भी बकरा है, दुम्बा है, गाय है, बैल है, आपने उनको तंग नहीं करना। ठीक है, इसी तरह आपने जानवरों के करीब भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जी, बास बात वो आपको टक्कर मार सकते हैं। इसी तरह बच्चे जब उनको तंग कर रहे होते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है ना। आप अगर कोई तंग करे तो आपको गुस्सा आता है ना, है इसी तरह है ना। इसी तरह जानवर वो भी तो जानदार है ना, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दर्द भी होता है, गुस्सा भी आता है। तो वो फिर क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा उनको तंग कर रहा हो फिर आगे से टक्कर मार देते हैं। तो आपने क्या करना है? जानवरों को तंग नहीं करना। इसी तरह ईद वाले दिन आपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, सुबह सवेरे उठना है, अपनी मम्मा को पापा को तंग नहीं करना, जिद नहीं करनी। और ईद वाले दिन तो आपने बहुत अच्छे बच्चे बन के रहना है ना, लड़ाई ना झगड़ा, आराम से खाएं पिएं। और हाँ, ईद वाले दिन आपने बहुत ज्यादा मोबाइल भी नहीं देखना, ठीक है? दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, घर वालों के साथ खेलना है, बातचीत करनी है, खाना पीना है, मजे करने हैं, ठीक है? और फिर आपने क्या करना है कि जिद नहीं करनी कि मम्मा मुझे फलां पार्क में लेके जाएं, अब्बू मैंने उधर जाना है, क्योंकि ईद के दिन पार्क्स में भी बहुत ज्यादा रश होता है। तो बेहतर है कि आप ईद के 2-3 दिन बाद चले जाएं, ईद आप घर में एंजॉय करें, ठीक है? तो डॉक्टर बबल की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।